और ब्रिटेन से आज की सबसे बड़ी खबर, भारतवंशी ऋषि सुनक बनेंगे इंग्लैंड के पीएम। सांसदों ने निर्विवाद रूप से अपना नेता चुना है। प्रतिद्वंदी पेनी मोरडॉन्ट ने अपना नाम वापस लिया। आज वो इंग्लैंड के किंग चार्ल्स से भी ऋषि सुनक मुलाकात करेंगे। निवर्तमान पीएम लिज ट्रस आज सौंपेंगी औपचारिक इस्तीफा। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी है। आपके साथ मिलकर 2030 के रोड मैप पर काम करने को तत्पर हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। तो भारतवंशी ऋषि सुनक इंग्लैंड के पीएम बनेंगे। सांसदों ने निर्विवाद रूप से अपना नेता चुन लिया है। चूंकि आपको बताएं कि प्रतिद्वंदी पेनी मोरडॉन्ट ने अपना नाम वापस लिया है। आज इंग्लैंड के किंग चार्ल्स से भी मुलाकात करने वाले हैं ऋषि सुनक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को बधाई दी है और ये कहा है कि आपके साथ मिलकर 2030 के रोड मैप पर काम करने को तत्पर है। तालियों की ये गड़गड़ाहट बता रही है कि आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे ब्रिटेन को नया तारणहार मिल गया है। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. कंजर्वेटिव पार्टी की मीटिंग में प्रधानमंत्री पद के लिए ऋषि सुनक का नाम घोषित होते ही सांसदों में खुशी की लहर दौड़ गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर जैसे ही ऋषि पहुंचे, उनसे हाथ मिलाने के लिए सांसदों में होड़ मच गई। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी की मीटिंग हुई जिसमें ऋषि सुनक के नाम का ऐलान किया गया, लेकिन ऋषि सुनक के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद का ताज फूलों का नहीं बल्कि कांटों भरा ताज है। वो 2 महीने से भी कम समय में ब्रिटेन के तीसरे पीएम बन रहे हैं। जाहिर है ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनकी तरफ उम्मीद से देख रही है। इसीलिए पीएम पद के लिए अपना नाम घोषित होते ही ऋषि ने अपनी प्राथमिकताएं फौरन साफ कर दी। प्रधानमंत्री पद के नाम के ऐलान के बाद सुनक ने पार्टी के नेताओं के सामने कहा कि सबसे पहले लिज ट्रस को देश और दुनिया की मुश्किल परिस्थितियों में उनके नेतृत्व के लिए शुक्रिया। सांसदों के समर्थन के बाद मैं खुद को विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं जिस पार्टी से प्यार करता हूं, उसकी सेवा करना और अपने देश को कुछ वापस दे पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। मैं वादा करता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी और विनम्रता से सेवा करूंगा। मैं दिन रात ब्रिटिश लोगों के लिए काम करता रहूंगा, लेकिन अब हमें हर मोर्चे पर एकजुट रहना होगा। ऋषि दूसरी कोशिश में ब्रिटेन के पीएम बने हैं। इससे पहले लंबे दौर की वोटिंग के बाद 5 सितंबर को लिज ट्रस ने पार्टी लीडर की रेस में उनको हरा दिया था, लेकिन करीब 50 दिन बाद सुनक कंजर्वेटिव पार्टी संसदीय दल के नेता और प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गए। अब हम आपको बताते हैं कि ऋषि किस तरह पीएम बने। 20 अक्टूबर को अपने वादे पूरे न कर पाने पर पीएम लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद एक बार फिर नए पीएम की तलाश शुरू हो गई। इस रेस में सुनक के अलावा पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन भी थे, लेकिन उन्होंने 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री रेस से अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद पीएम बनने की दौड़ में सुनक के अलावा पेनी मोरडॉन्ट बची थी। पार्टी में सुनक को करीब 200 सांसदों का समर्थन मिला, तो पेनी केवल 26 सांसदों का समर्थन ही जुटा पाई, जिसके बाद पेनी को अपनी दावेदारी वापस लेनी पड़ी। इस तरह ऋषि सुनक निर्विवाद रूप से पीएम चुन लिए गए। ऋषि सुनक आज ब्रिटेन के लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। उन्होंने अपने काम की बदौलत ये भरोसा हासिल किया है। दरअसल सुनक एक बैंकर हैं और ब्रिटेन के आम लोगों को लगता है कि आर्थिक मामलों पर मजबूत पकड़ वाला शख्स देश को इस संकट से निकाल सकता है। ये भी सत्य है कि निवर्तमान पीएम लिज ट्रस को आर्थिक मोर्चे पर नाकाम रहने पर ही पद छोड़ना पड़ा है। बोरिस जॉनसन सरकार में बतौर वित्त मंत्री सुनक इकोनॉमिक बेल आउट प्लान लाए थे और आर्थिक मंदी से ब्रिटेन को उबारा था। 2020 में होटल इंडस्ट्री के लिए ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम के तहत 15,000 करोड़ से ज्यादा की मदद दी। कर्मचारियों और स्वरोजगार करने वालों को 2,25,000 करोड़ से ज्यादा की मदद उपलब्ध कराई।
कोरोना काल में ब्रिटेन की टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज दिया। इसके अलावा ब्रिटेन में महंगाई चुनाव का अहम मुद्दा थी। देश में आर्थिक अस्थिरता से निपटने के लिए बोरिस जॉनसन सरकार में बतौर वित्त मंत्री सुनक इकोनॉमिक बेलआउट प्लान लाए थे। इसे मिडिल क्लास ने खासा पसंद किया था। इन सभी बातों ने उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। ऋषि सुनक भारत में आईटी के दिग्गज नारायण कृष्णमूर्ति के दामाद हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ब्रिटेन में अब तक का उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। सबसे पहले वो 2015 में यॉर्क्स की रिचमंड सीट से सांसद बने। ये सीट कंजर्वेटिव पार्टी का गढ़ है। 2015 से वो लगातार इस सीट से सांसद हैं। तब के पीएम बोरिस जॉनसन ने उन्हें 2019 में चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बनाया था। उसके अगले ही दिन उन्हें प्रीवी काउंसिल का सदस्य भी बना दिया गया। 13 फरवरी 2020 में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। माना जा रहा है कि सुनक 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। कभी दुनिया भर पर राज करने वाले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर सुनक को सभी देशों से बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई संदेश भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, हार्दिक बधाई ऋषि सुनक, जैसे ही आप यूके के पीएम बनते हैं मैं वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए तत्पर हूँ। ब्रिटेन के अब तक के संसदीय इतिहास में ऋषि पहले अश्वेत और भारतवंशी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उनके दादा पंजाब के लुधियाना से नैरोबी गए थे और उनके पिता नैरोबी से इंग्लैंड आए। उनके पीएम बनने से उनके पुश्तैनी जिले जालंधर में भी लोगों ने खुशी जताई है। हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि जिन लोगों ने हमारे पर 200 साल राज किया आज उनके देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तानी बनने जा रहा है जो कि पंजाबी मूल का है। ये पंजाब के पूरे हिंदुस्तान के बड़ी गर्व की बात है कि वो अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। जन्म से ब्रिटिश नागरिक ऋषि सुनक अपने धर्म और संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनके पीएम बनने से न केवल भारत बल्कि एशिया का भी सम्मान बढ़ा है। और हम आपको बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। दोपहर 2:39 पर सूर्य ग्रहण